لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا مولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بسأة مني. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلی محرم کو کہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں، نہ ہی کوئی بڑا ذاکر ہوں. پہلی دفعہ وطن سے باہر نکل کے آپ حضرات کے شہروں میں آیا ہوں. اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ذکر مولا کرنے کا یہ شرف ملا ہے. یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، انہی کے صدقے میں پروردگار نے اس دنیا کو خلق کیا. عزیزان محترم، یہ دن بہت ہی رفتار کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. آپ دل کھول کر مولا حسین کا غم منائیں اور میں اپنی ہر مجلس میں یہ کہتا ہوا چلا آیا ہوں کہ آپ جب اس بارگاہ میں آئے تو باوضو ہو کے آئے، کیونکہ یہ بارگاہ بہت ہی پاک بارگاہ ہے، فرش عزا. اس پہ وقت کا امام آتا ہے، جناب فاطمہ زہرا اپنے لال حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں. عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم، یہ عزاداری ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے. یہ عزاداری نام ہے انسان کے بدلاؤ کا، یعنی انسان جیسے پہلے تھا یہاں سے جب جائے ویسا نہ رہے، یعنی اس کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، بدلاؤ آنا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ وہ جو اتنی دیر تک اس فرش عزا پہ بیٹھا ہے اس کی یہ محنت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب تک انسان کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی، مولا سے کسی نے سوال کیا، مولا آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. مولا نے کہا کہ اگر تم گناہوں سے دور ہو رہے ہو، سمجھ لینا کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. اگر تم گناہوں سے دور نہیں ہو رہے ہو تو تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح ہے کہ جو زائر حسین ہو چکے ہیں، جو امام حسین کے زائر ہو چکے ہیں، اگر ان کے اندر بھی چینجنگ نہیں آئی، کوئی بدلاؤ نہیں آیا،
तो समझ लें कि उनका पैसा बर्बाद हुआ है, उनकी ज़ियारत कबूल नहीं हुई है। इसी तरह फर्श अज़ा है, अगर इंसान यहाँ पर आया, एक घंटा दो घंटा अपना वक्त दिया, अगर यहाँ पर चेंजिंग नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया, तो ये किसी काम की नहीं उसकी मेहनत रही। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान-ए-गिरामी, मैंने अपनी मजलिस का उन्वान इसलिए फातिमतो बज़अतो मिन्नी रखा, आज हर जगह हुसैन हुसैन की आवाज़ बुलंद हो रही है, आज हर जवान बूढ़े बच्चे हर किसी की ज़बान पर या हुसैन हुसैन की आवाज़ बुलंद हो रही है। क्यों? ये फातिमा जहरा की परवरिश का नतीजा है कि उसने कौम को एक हुसैन दिया। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी क्या कहना चाहते हैं रसूल खुदा? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक मिसाल से वाज़ह कर दूं ताकि हर जो छोटे बच्चे हमारे यहाँ भाई तशरीफ़ फरमा है उनकी भी समझ में आ जाए। रसूल कह रहे हैं कि फातिमा तो बस अतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक रोटी है, आप उसके दो टुकड़े कर दीजिए। अगर रोटी का बड़ा टुकड़ा नमकीन है तो छोटा भी नमकीन होगा, अगर रोटी का बड़ा टुकड़ा मीठा है तो छोटा भी मीठा होगा। यानी जितनी खासियत रोटी के छोटे टुकड़े में पाई जाएगी, उतनी ही खासियत रोटी के बड़े टुकड़े में पाई जाएगी। रसूल बताना ये चाहते हैं कि देखो, जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने फातिमा को नाराज़ नहीं किया बल्कि उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने फातिमा को खुश रखा उसने फातिमा को नहीं बल्कि मुझे खुश रखा, और जिसने मुझे खुश रखा समझना उसने उसको खुदा ने खुश रखा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहब्बत पर। जिसने मुझे खुश रखा समझना कि उसको उसने खुदा को खुश रखा। जाने मोहतरम, परवरदिगार कह रहा है, ए मोहम्मद फख्र ना करना। परवरदिगार कहता है, मोहम्मद अगर तुम्हें खल्क ना करना होता, अगर तुम्हें पैदा करना ना होता, ये आसमान ना पैदा करता, ये ज़मीन ना पैदा करता, ये समंदर ना पैदा करता, ये समंदर के अंदर रंग बिरंग की मछलियाँ ना पैदा करता, ये शजर ना पैदा करता, इन शजर के अंदर मैं फलों को ना लगाता, ऐ मोहम्मद फख्र ना करना। अगर अली को पैदा ना करना होता ना तुम्हें खल करता ना दुनिया खल करता। फिर खुदा कहता है, ऐ मोहम्मद अली तुम दोनों फख्र ना करना। अगर फातिमा को खल्क ना करना होता ना मोहम्मद खल करता ना अली खल करता ये दुनिया खल करता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाली तुम दोनों फख्र ना करना, अगर फातिमा को खल्क ना करना होता ना तुम्हें खल करता और ना ही इस दुनिया को खल करता। तो पता ये चला, जो हम जी रहे हैं ये शहज़ादी की अता है, जो हम सांसें ले रहे हैं ये फातिमा जहरा की अता है, ये उनका सदका है। क्या किरदार शहज़ादी ने दुनिया वालों को दिया है, ऐसा किरदार अपनाया है कि हर किसी के लिए नमूने अमल बन गई शहज़ादी। रसूल खुदा अपने नाबीना साहबी के साथ फातिमा जहरा के घर पे आते हैं, आने के बाद दक्कुल बाप किया और कहा, बेटी फातिमा मैं हूँ और मेरा साहबी। तो फातिमा जहरा क्या कहती है? बाबा मैं पर्दा कर लूँ फिर आती हूँ।
रसूल ने कहा, बेटी जो मेरे साथ मेरा सहाबी आया है वो नाबीना है, वो तुम्हें नहीं दे सकता। शहजादी क्या कहती है, बाबा वो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं तो उसे देख सकती हूँ। ये है किरदार फातिमा। ज़बान से कहना कि हम फातिमा जहरा को चाहते हैं, मैं उन ख़वातीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जो बेपर्दा रहती हैं। ज़बान से कहना बहुत आसान है, अमल में लाना बहुत सख्त है। मौला नवे इमाम के पास एक साहिल आता है, आने के बाद कहता है, मौला आप अपनी दादी बुतुल का तारुफ बताइए, मैं आपकी दादी बुतुल का तारुफ सुनना चाहता हूँ। मौला कहते हैं, क्या तुझे खुद पे गुमा है कि तू खुदा है? क्या तुझे ये लगता है कि तू खुदा है? तो वो शख्स कहता है, मौला मैं तो इंसान हूँ। तो मेरा मौला कहता है कि इंसान हो के सुनना चाहता है कि मेरी दादी बुतुल क्या है? इंसान हो के सुनना चाहता है। वो कहता है, मौला मैं अपने इरफान में इजाफे के लिए चाहता हूँ। तो मौला कहते हैं, तो ये कहना कि तू कितना बुतुल को कबूल कर सकता है? तो मेरा मौला कहता है कि मेरी दादी बुतुल वो है कि जिस पर मैं मिंबर पे दुरूद भेजता हूँ और मसल्ले पे दुरूद भेजता हूँ। मेरी दादी बुतुल वो है कि जैसे कोई बंदा अपने खालिक को सलाम करता है, वैसे ही मैं अपनी दादी बुतुल को सलाम करता हूँ। इज़ाने गरामी, फिर मेरा मौला कहता है कि मेरी दादी बुतुल मस्तूर नहीं बल्कि इस्मत का सहीफा है। मेरी दादी बुतुल तहारत को पाक करती है, ताहिर को नहीं बल्कि तहारत को पाक करती है। सलवात पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी दादी बुतुल तहारत को पाक करती है। फिर मेरा मौला कहता है कि अब तुमने जसारत कर ली है तो सुन, मेरी दादी वो है कि जिसके दरवाजे का भिखारी, जिसके दरवाजे का मिस्कीन जिब्राइल है, कि जिसके दरवाजे का भिखारी मिकाइल है। ऐज़ाने गरामी, मौला ने क्या कहा कि जिसके दरवाजे का मिस्कीन जिब्राइल है। लुगत उठाइए, देखिए कि मिस्कीन किसे कहते हैं। मिस्कीन कहते हैं सबसे हकीर, सबसे छोटा, सबसे कमतर। सबसे हकीर, सबसे छोटा, सबसे कमतर। जिब्रील का ओहदा क्या है? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका। क्या सुना है जाने गरामी आप? जिब्रील का ओहदा क्या है? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका। खुदा कह रहा है कि सैयद है, मेरा मौला कहता है कि मेरे दादी के दरवाजे का मिस्कीन है। खुदा कहता है कि सैयद है, मेरा मौला कहता है कि मेरे दादी के दरवाजे का मिस्कीन है। ऐज़ाने गरामी, जुमला हवाले कर रहा हूँ, ज़हनों में महफूज कर लीजिएगा कि जो अर्श पे सबसे आगे बैठता है वो दरे सैयदा पे सबसे पीछे बैठता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयदा पे इंसान जिब्रील वो है कि जो कभी मिस्कीन बन के दरे सैयदा पे आया है, कभी हुसैन का झूला झुलाने के लिए आया है। यह है शहज़ादी के दर की अजमत। एक सहाबी जनाब सलमान के पास आया, आने के बाद कहता है, सलमान क्या तुमने जन्नत देखी है? तो सलमान क्या कहते हैं कि जो जन्नत में रहता हो उसे जन्नत देखने की क्या ज़रूरत? जो जन्नत में रहता हो उसे जन्नत देखने की क्या ज़रूरत?
फिर वो सहाबी कहता है, क्या मिलता है इस दर पे तुझे कि जो तुम हर वक्त इसी दहलीज पे पड़े रहते हो। तो जनाबे सलमान कहते हैं, ये दहलीज है, ये दहलीज है। वो शख्स कहता, हाँ ये दहलीज है। तो जनाबे सलमान कहते हैं, ये दहलीज नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा है। हाय क्या सुन रहे जाने गरामी आप, ये दहलीज नहीं बल्कि सिदरतुल मुंतहा है। वो साहबी कहता है, तू बूढ़ा जो हो गया है, तुझे अक्ल तेरी काम नहीं कर रही है, तुझे पता है सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं? तो सलमान कहते हैं, तू बता किसे कहते हैं। वो साहबी कहता है, सिदरतुल मुंतहा अर्श की उस बुलंदी को कहते हैं कि जहां पे जाके जिब्रील रुक गया था, रसूल ने कहा था जिब्रील आगे बढ़, जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। तो जनाबे सलमान ने कमर पे हाथ रखी, रखने के बाद जनाबे सलमान ने जुमला कहा कि जहां तू तेरे और मेरे में यही फर्क है, तू उसे कहता जहां पर जिब्रील रुके उसे तू कहता है सिदरतुल मुंतहा, यहां रसूल रुकता है इसे मैं सिदरतुल मुंतहा कहता हूं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिब्राइल रुका था उसे तू सिदरतुल मुंतहा कहता है, यहां रसूल रुकता है दरे सैयदा पे, के है अजमते सैयदा। ऐसा हुसैन दिया है दुनिया वालों के लिए कि कोई मिसाल नहीं ला सकता इमाम हुसैन की, कोई कौम ऐसा हुसैन नहीं ला सकती। ऐज़ाने गरामी, एक मर्तबा रसूल गिरजा कर रहे थे, फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा आप क्यों गिरजा कर रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो रसूल खुदा ने कहा, बेटी जब मैं अर्श पर गया था तो मैंने वहां पर कुछ ख़वातीन को देखा कि जिनके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा था। एक औरत ऐसी थी कि जिसके मग्स को कीड़े मकोड़े खा रहे थे, एक औरत ऐसी थी कि जिसकी ज़बान पे ताले लगे हुए थे, एक औरत ऐसी थी कि जिसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। तो रसूल खुदा ने, जनाबे फातिमा ज़हरा ने रसूल खुदा से पूछा, बाबा आखिर उनका गुनाह क्या था, उनका कसूर क्या था? तो रसूल खुदा ने कहा, बेटी कि जिसके सर पे कीड़े मकोड़े उसके मक्स को खा रहे थे वो बेपर्दा सड़कों पे घूमा करती थी, वो बाजारों में घूमा करती थी, वो नामहरमों से पर्दा नहीं किया करती थी। फिर दूसरी औरत के बारे में जनाबे फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा वो औरत कि जिसके जबान पे ताले लगे हुए थे उसका क्या कसूर था? तो रसूल खुदा ने बताया, उसका कसूर ये था कि वो अपने शौहर से लड़ती थी और उसकी आवाज़ नामहरमों के कानों तक जाती थी। फिर तीसरी औरत के बारे में पूछा जनाबे फातिमा ज़हरा ने, बाबा वो औरत कि जिसके पैर में जंजीर बंधी हुई थी उसका क्या कसूर था? तो रसूल खुदा ने कहा, उसका कसूर इतना था कि वो अपने शौहर की बगैर इजाज़त के बाहर निकलती थी। इज़्ज़ाने गरामी, मैं अपनी माँ बहनों से अपील करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इन बातों का ख्याल रखें, ज़िंदगी की आराइश यहीं ख़त्म हो जाएगी। जनाबे फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करें। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी जुमला,
कुरान कहता है कि जब तुम किसी यतीम को देखो तो उसके सर पर हाथ रखो और उसे प्यार करो, ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो यतीम हो चुका है। जब तुम किसी बच्चे को देखो, अल्लाहु अकबर, हायरे मुस्लिम के बच्चे कूफा की गलियों में दर बदर फिर रहे हैं। आज़ादारों, जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद जनाब मुस्लिम के बच्चे कूफा में दर बदर फिर रहे हैं। एक जालिम की निगाह इन बच्चों पे पड़ी, इन बच्चों पे जब पड़ी है ना, तो वो शख्स पूछता है कि तुम कौन हो कि जो तुम रात की तारीखियों में इस तरह घूम रहे हो। वो बच्चे कहते हैं, हम यतीमान मुस्लिम हैं, हम यतीम हैं, हमारा बाबा शहीद हो गया, ये सुनना था। वो जालिम घोड़े से उठा, उठने के बाद उन बच्चों को कैद करके इब्ने ज़ाद के पास लेकर आया है। इब्ने ज़ाद कहता है, तुम इसे कैद खाने में कैद कर दो, तुम इसे कैद खाने में कैद कर दो। वो कैद खाने में लेकर आया, लाने के बाद एक ऐज़ादारों सुनिएगा, उस कैद खाने का आलम क्या था। उस कैद खाने का आलम ये था कि दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे थे, इतना अंधेरा था उस कैद खाने में। जालिम ने कैद किया, कैद करने के बाद बच्चों में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि अब वो खड़े होकर नमाज पढ़े। बैठ के बच्चों ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपस में गुफ्तगू करने लगे, आपस में बात करने लगे। न जाने बाबा को कफन मिला होगा या नहीं, न जाने बाबा को पानी मिला होगा या नहीं, न जाने मेरे बाबा को किसी ने दफन किया होगा या नहीं। अल्लाह अकबर। आज़ादारों, दिल खोल कर रोइए। मैं अपनी अक्सर मजलिसों में कहा करता हूं, आपको यहां कोई ताजियाने मारने वाला नहीं है, आपको यहां कोई तमाचे मारने वाला नहीं है। हायरे गुरबते सकीना बादा से हुसैन, जब हुसैन शहीद हो गए, सकीना अपने बाबा की याद में रोती थी। कभी जालिम तमाचे मारता है, कभी पुष्प ताजियाने मारता है। सकीना कहती है, बाबा बाबा, मैं आपसे पूछा करती थी ना बाबा, यतीम किसे कहते हैं बाबा, आज मुझे यकीन हो गया, यतीम किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज़ादारों, बच्चों ने आपस में ये बात की, निगेबान आया, सूखी रोटी लेकर बच्चों को दिया। बच्चों ने निगेबान से कहा, निगेबान क्या तेरे पास दो वक्त का दो मिनट है तेरे पास। वो कहता है, बोलो क्या बात है। बच्चों ने कहा, क्या तूने पैगंबर का नाम सुना है। बच्चों ने कहा, क्या तूने पैगंबर का नाम सुना है। वो शख्स कहता है, मैं उनका कलमा पढ़ता हूँ। फिर बच्चों ने कहा, क्या तू अली मुर्तज़ा को जानता है। निगेबान कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो हमारे इमाम हैं। फिर बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, क्या तू मुस्लिम को जानता है। तो उसने कहा, हाँ वही ना जो ज़फीर हुसैन हैं, जिन्हें कूफा में शहीद कर दिया गया। बच्चों ने कहा कि हम यतीमान मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम के बेटे हैं। ये सुनना था, वो ज़मीन पे गिर जाता है और बच्चों से माफ़ी मांगने लगता है। ए बच्चों, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था। अरे मैंने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए, मैंने तुम्हें सूखी रोटियां दी। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारों, खुदा को कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। उसने कहा, बच्चों बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। बच्चों ने कहा, तू मुझे मेरे ऊपर बस इतनी खिदमत कर दे, या मुझे नजफ या मदीने का रास्ता बता दे। उसने मदीने का रास्ता बताया। रात की तारीखी में ये बच्चे निकले, इतना अंधेरा था कि ये बच्चे रास्ता भूल जाते हैं और वापस कूफा की गलियों में आ जाते हैं और थक के चूर होकर एक चौखट पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद एक ज़ईफ़ा निकलती है, इन बच्चों से पूछती है, तुम कौन हो।
इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों ने वही जुमला कहा, हम यतीमाने मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम के बेटे हैं, हमारा बाबा शहीद हो गया, हम वतन कैसे जाएं, हम अपने घर को कैसे जाएं, हम वतन के लिए निकल रहे थे लेकिन हम रास्ता भूल गए। अल्लाह अकबर। जब ये ज़ैफ़ा ने सुना है ना, तो कलेजे पे हाथ रख के गिरिया करने लगती है और बच्चों को अपने घर में बुलाया। बुलाने के बाद बच्चों को पानी दिया, खाना दिया, बच्चे ना खाना खाए ना पानी पिए। पीने के बाद एक खुजरे में चले जाते हैं, जाने के बाद वहां पर सो जाते हैं। ज़ैफ़ा का शौहर आया, आने के बाद गुस्से में तलवार को कहीं फेंका और कहता है कि सुबह से लेकर शाम हो गई, मैं मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ रहा हूं लेकिन मुस्लिम के बच्चे नहीं मिले। आज़ादारो, आखिरी जुमला, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। मुस्लिम के बच्चे नहीं मिले, वो बिस्तर पे सो जाता है। रात की तारीकी में जनाब मोहम्मद जो बड़ा बेटा था वो ख्वाब में देखता है कि बाबा आए हुए हैं और कह रहे हैं, बेटो तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द तुम लोग हमारे पास आने वाले हो। मोहम्मद ने इब्राहिम के बाजू को हिलाया, हिलाने के बाद इब्राहिम ने आँख खोली और अपने भाई की तरफ निगाह किया। भैया खैरियत तो है, आप क्यों उठा रहे हैं? तो मोहम्मद ने कहा, भैया इब्राहिम मैंने ख्वाब देखा है, बाबा आए हुए थे। तो इब्राहिम कहता है, भैया मैंने भी ख्वाब देखा भैया मैंने भी ख्वाब में बाबा को देखा। बाबा कह रहे हैं, बच्चों परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मेरे करीब आने वाले हो। बच्चे ये कहकर रोने लगते हैं। जालिम ने इन बच्चों की रोने की आवाज सुनी, वो आवाज के जरिए उन बच्चों के करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता है, तुम कौन हो जो इस घर में आए हुए हो, तुम कौन हो? वो बच्चे कहते हैं, क्या अगर हम तुम्हें बता दिए हम कौन है, तुम हमारी जान बख्श दोगे? अज़ादारो, आखिरी जुमला, अगर तुम हमारी जान बख्श दोगे? वो कहता है, हाँ हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। जब ये कहा है ना, तो मुस्लिम के बच्चों ने कहा, हम यतीमाने मुस्लिम हैं। अरे ये सुनना था, जालिम घसीटते हुए दरिया के किनारे लेकर आया, बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, छोटे बेटे ने, छोटे भाई ने बड़े भाई को सर को लिया और बोसा देने लगा, छोटे भाई का भी सर तन से जुदा किया।